दोस्तों आज हम आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बैठे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली की 1731 अनऑथराइज कॉलोनी कच्ची कॉलोनी, उनको मालिकाना हक केंद्र सरकार ने अपने सारे अधिकारियों को लगाकर अपने एक्स्ट्रा सभी शक्ति को बढ़ा करके और दिल्ली को ये अधिकार दे दिया है। अब दिल्ली से अनाधिकृत शब्द का जो दाग था वो मिट चुका है और इससे जो दिल्ली के लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों में जो खुशी की लहर है उसके कारण लगातार हमारे प्रदेश के कार्यालय में ढोल नगाड़े बाजे ताशे लोग आते रहते हैं। अब हमें चुनाव की अपनी तैयारी भी करनी है। ताशे नगाड़े बजा करके आपको धन्यवाद करना चाहती है तो हम एक धन्यवाद रैली कर लेते हैं। आप समय दे दें और प्रधानमंत्री जी ने हमें 22 दिसंबर का समय दे दिया। 22 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हम एक बड़ी रैली कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है धन्यवाद मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को ऐसे तो धन्यवाद शब्द बड़ा छोटा है क्योंकि जो काम बरसों से लोगों की इच्छाओं के बाद उनका संघर्ष, उनका लगातार लोगों के सामने जाना, उनका उनके साथ धोखा होना पूरा दिल्ली देख चुकी है। और अब तो दिल्ली में एक लाइन चल रही है कि 15 साल कांग्रेस ने भटकाया और पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने लटकाया और इस सब से परेशान होकर के 100 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको करके दिखाया। दिल्ली के उन सभी अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को जिनकी कॉलोनी अब मालिकाना हक पा चुकी है और इसके लिए डीडीए को काम सौंपा गया और डीडीए ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो डीडीए ने अपनी ओर से 25 कैंप लगाए हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकान या जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई असुविधा ना हो इसके लिए डीडीए की ओर से 25 कैंप लगाए जा चुके हैं और 18 दिसंबर तक 25 और कैंप लगाए जाएंगे। इन सभी 50 कैंप में जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं उनको असुविधा ना हो इसलिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि उनका हेल्प करें। हेल्पिंग बीजेपी कार्यकर्ता, हेल्पिंग बीजेपी वर्कर्स विल बी देयर ऑन ऑल कैंप्स और उनसे जो भी मुमकिन सहायता होगी वो वहां के लोग उनसे मांग सकते हैं। ये 18, 19 और 20 दिसंबर को हमारे 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में जो अब नियमित हो चुकी हैं उनमें उनको जन जागरण करने के लिए भी बीजेपी बहुत सारे उपाय कर रही है। जो आपकी जानकारी में रहे, हम 350 नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति इससे अनभिज्ञ होके पीछे न रह जाए और उन नुक्कड़ सभाओं में भी हमारे कार्यकर्ता उनकी सहायता के लिए रहेंगे। का युवा मोर्चा 70 विधानसभाओं में 70 मोटरसाइकिल रैली करेगा लोगों को जन जागरण करने के लिए कि आपकी कॉलोनी मालिकाना हक पा चुकी है और आप इकट्ठे जिसको धन्यवाद देना हो मोदी जी को धन्यवाद देने 22 दिसंबर को रामलीला मैदान आ सकता है। 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में जब विश्व मान्य नेता, पूरी दुनिया के शांति के प्रतीक बने हुए नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो हम उस भूमि का थोड़ा सा
पूजन भी करेंगे। और ये हमने भूमि पूजन कार्यक्रम, चूंकि वहां मंच वंच लगना सब शुरू होगा, ये उत्सव है और ये उत्सव पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा उत्सव है, इसलिए 17 दिसंबर को रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए रैली आयोजित हो रही है। इसके साथ साथ कुछ बातें आप सबके जानकारी में है ही, हमारे इस 22 दिसंबर को होने वाले विशाल धन्यवाद रैली में, जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए हम और भी जन जागरण कर रहे हैं। जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं, वो जारी है। कार्यक्रम और जनसभाओं के जरिए जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झूठे वादे हैं, खोखले दावे हैं, फेहरिस्त जिनकी बहुत लंबी है, उसको भी हम दिल्ली की जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। ये आप सबकी जानकारी में रहे, हमारा बिल्कुल पार्टी का कार्यक्रम है और कहीं होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से योजनाबद्ध कार्यक्रम है, क्योंकि लोगों की आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। और ये भी हम चाहते हैं कि लोग देख भी सकें कि इतने सालों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ योजनाओं और दावों के नाम पे धोखा ही दिया है, यह हम बता रहे हैं। 14-15 दिसंबर यानी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब और कल, ये भी दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान पे निकल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बात है, जानकारी है। हम लोग 22 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी को लगभग 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर किए हुए धन्यवाद पत्र भी देंगे। तो आइए विजेंद्र जी, ऐसे ही कार्यक्रम से विजेंद्र गुप्ता जी अभी चले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए अब 10-15 पेपर से तो होगा नहीं, तो हम लोगों का जो भी टारगेट है लगभग 5 लाख हस्ताक्षर आ चुके हैं और हम लोग लगभग 11 लाख हस्ताक्षर युक्त धन्यवाद भी नरेंद्र मोदी जी को 22 तारीख को देंगे। और अंत में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये चूंकि काम इतना बड़ा है साथियों, कि एक तो काम इतना बड़ा है, लोगों के फायदे का है, इसलिए जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अटकाती भटकाती लटकाती रही है इसको, वो चाहेगी कि उनके तक ये बात पहुंचे ना, और अगर बात पहुंचे भी तो भ्रम में डालेंगे, इसलिए हम हर वो प्रयास कर रहे हैं कि हम एक एक घर टच कर लें। उसके लिए हम लोग 18, 19 और 20 दिसंबर को ही वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हमारे गलियों में जगह जगह पे पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। 18, 19 और 20 दिसंबर को हम सभी उसमें शामिल रहेंगे। रमेश भिदुड़ी जी भी शामिल रहेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी भी शामिल रहेंगे, अशोक गोयल भी शामिल रहेंगे, नीलकांत बख्शी जी शामिल रहेंगे, कुलजीत चहल जी शामिल रहेंगे, हमारे जितने साथी हैं सब, हर व्यक्ति शामिल रहेगा। और उनको ये कहते हुए कि आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आइए और उनको ऐतिहासिक निर्णय जो लिया है मोदी जी ने उसको लेकर के हम लोगों को ये जानकारी देंगे। ये जानकारियां बताने के लिए हम आपके बीच में आज बैठे हैं। चूंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ इधर से आया कुछ उधर से आया, लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो ये आधिकारिक हमने आप सबको आज से लेके 20 तारीख तक का कार्यक्रम बता दिया है। और मैं पूरे दिल्ली के लोगों से थ्रू मीडिया ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 22 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आइए और भ्रम फैलाने वाले तो लोग अपना चलते ही रहते हैं। कल मैं किसी नेता को देख रहा था कि भाई CAB का तो नोटिफिकेशन फटाक से कर दिया, ये अनऑथराइज कॉलोनियों का नोटिफिकेशन क्यों देर हो रही है। तो वैसे सभी जो विकसित आत्माएं हैं
उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कल यानी 13 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पीएम उदय योजना को अपनी मोहर लगा दी है, उसका भी नोटिफिकेशन हो गया है। और इस जानकारी के साथ दिल्ली अपने भाग्य पे इतरा रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे साथी जा रहे हैं, बड़ा कमाल का एनर्जी दिख रहा है। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, मीडिया के सभी भाई बहनों से, कि आप लोग भी 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में जरूर रहें। हम जब 17 को भूमि पूजन करें तो भी आप रहें, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम रामलीला मैदान में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा हम पूजन उजन करके थोड़ा शुद्धिकरण भी कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जरा, हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो पूजा वूजा करके वो सब अंतरिक्ष धरती सब सब शुद्धिकरण होता है। ये हमारी संस्कृति है, उसको अदरवाइज इस कांग्रेस से मत जोड़े उसको। हाँ अभी तो देखिए, ये धन्यवाद देने के लिए है। अब तो काम शुरू हो गया, देश बदले बताए 25 कैंप लग चुके हैं और 25 और लगे जाएंगे। तो इसमें हम तो कई लोगों को देना शुरू कर दिए हैं, अगर आपकी इच्छा को विचार कर लेंगे। उस पे भी कल आपको बताएंगे, अभी आज तो हम जो कह रहे हैं उसी को सुनो, बाकी वाले के लिए कल तक इंतजार करें। रैली पे आप देखो, हम लोग अभी जिस पर बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना, कि भाई रोज कोई ना कोई नगाड़ा बजाते हुए चला आता है हम लोगों के पास, भैया किधर हो? अरे भाई अब उधर, हम तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काम कर रहे हैं, विंदर जी कहाँ है? तो बोले कि दो तो उधर साउथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो रमेश जी कहाँ है? तो मेरौली में। भैया इकट्ठे आओ, धन्यवाद दो, अब हमको आगे बढ़ने दो, क्योंकि अभी दिल्ली के लिए बहुत काम करने हैं। नहीं, हम अपनी रैली की बात करते हैं, हम अपनी ही बात करते हैं और देश की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। मनोज जी, आपने ब्रह्मास्त्र चल दिया है, जो आपने कॉलोनियां जो पास कर दी हैं, क्या लगता है, क्योंकि अगर आपने कहा ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग भी चले आते हैं, तो खूब यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, तो माना जाए कि 12 तो ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जाति वाली है, और टोटल 70 विधानसभाएं हैं। पिछली बार 3 ही आपको मिली थी, 4 छोटे समय है। इस बार क्या रिजल्ट रहने वाला है अनुसूचित जाति की जो 12 सीट है, उस पर भी क्या रणनीति आगे रहने वाली? देखिए, हम लोग तो हमेशा से न्याय करने में विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी न्याय कर रही है, और इतना बड़ा न्याय दिल्ली के साथ हुआ है कि इसके अलावा हमको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग, हम चाहते हैं कि हमारा 22 दिसंबर का जो धन्यवाद का कार्यक्रम है, धन्यवाद मोदी जी, अनाधिकृत